हाय दोस्तों, मैं आरएनएस अपने यूट्यूब चैनल भारत टीवी पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं कोरोना वायरस से रिलेटेड। भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो 8 लाख से ज्यादा होते कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिलहाल भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और अभी तक 6000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि अगर भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो यह मामले 8 लाख से ज्यादा हो गए होते। विदेशी पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं किया होता तो 15 अप्रैल तक देश में कुल मामलों की संख्या 8,20,000 हो गई होती, जबकि अभी हम 6,000 तक हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि ज्यादातर मामले 78 जिलों में स्थानीय संक्रमण के हैं। यहाँ भारत में कुल मामलों का 80% गौरतलब है। भारत कोविड-19 को लेकर लगातार विभिन्न देशों के संपर्क में है। मानवतावादी रुख अपनाते हुए भारत ने कई देशों की मदद भी की है। दुनिया के तमाम देशों से सूचनाएं साझा की जा रही हैं। WHO और कई अन्य संस्थानों ने भारत के प्रयासों की सराहना की है। वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के लिए अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों ने भारत की सराहना की है। भारत में कोरोना के अब तक 6,761 पॉजिटिव केस हैं। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या शुक्रवार 10 अप्रैल को बढ़कर 6,761 हो गई। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भारत टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।